हाय एवरीवन, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल प्रियंका कुमारी 94 किचन में। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं कच्चे चावल से एक पूरे परिवार के लिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ। बस एक कप कच्चे चावल से आप ये रेसिपी बना सकते हैं। ये टेस्टी रेसिपी आप देखिए और वीडियो में बने रहिए। बस एक कप चावल, ना भिगोने का कुछ झंझट, ना कोई दिक्कत, आप इसे बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टिंग एंड अमेजिंग ये नाश्ता बनता है और बहुत झटपट जल्दी बनकर तैयार हो जाए, ये सभी को पसंद आते हैं। चलिए, मैंने एक कप चावल को अच्छी तरह से धोकर तो 5 मिनट के लिए इसे भिगोने के लिए रख दिए थे। मलमल कर इसे धो लेंगे और अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए इसे भीगने के लिए रख देंगे एक कटोरे में, और इसको अच्छी तरह से ढक देंगे दूसरे बर्तन। और दूसरा हम ले लेंगे मसूर दाल। मसूर दाल भी मैंने 1 कप से थोड़ा कम लिए हैं और इसे भी अच्छी तरह से धोकर थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए इसे साइड करके तोप देंगे और इसको थोड़ी देर रहने देंगे। 5 मिनट के लिए इसे ढककर हम एक साइड में कर देते हैं और ये 5 मिनट के बाद इसे हम जब देखेंगे तो ये हमारी अच्छी तरह से, इसको ज़्यादा देर तक हमें भिगोना नहीं है, मात्र इसे थोड़ी देर के लिए हम इसे हम भिगो कर रखेंगे 5 मिनट के लिए और इसका प्रोसेस करेंगे। ये रेसिपी बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी बनती है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं, ये अब इसको हम हटा लिए हैं 5 मिनट के बाद। अब ये इसको हम एक जार लेंगे, अब हम एक ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें हम चावल को रख के हम इसको पेस्ट बना लेंगे अच्छी तरह से। हम इसी तरह दोनों को सेम प्रोसेस करते हुए पीस लेंगे। अब हम बॉल लेंगे, दाल को हम इसी तरह पीस कर निकाल लेंगे। दाल का टेक्सचर थोड़ा दरदरा ही रहेगा और चावल का ना पेस्ट बिल्कुल महीन और थोड़ा गीला बेटर रहेगा। वीडियो ना थोड़ा दिखाने में स्किप हो गया है, इसीलिए अब हमने कढ़ाई रख कर ना इस पे रखे हैं। तो ये देखिए, मैंने इसका चावल का जो पेस्ट था उसको हमने एक कढ़ाई में रख दिए हैं और ये गीला थोड़ा पानी ही रख कर इसे बनाइएगा। मैंने इसमें पानी रख दिए और ये थोड़ा पानी वाला ही पीसिएगा ताकि ये देख सकते हैं आप। मैंने चावल का बैटर डायरेक्ट कढ़ाई में ही डालकर आपको दिखाई हूँ। इसका ना पेस्ट बिल्कुल पानी जैसा होना चाहिए, तभी तो ये हमारा पेस्ट अच्छा से पकेगा। तब ये इसका हम अगला प्रोसेस करेंगे। और देखिए, इसे लगातार चलाते हुए इस प्रोसेस को ध्यान से करना है, इसे लगातार चलाते हुए इसे पकाना है ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना बने और ये अच्छी तरह से पककर एक आटे की तरह हो जाए डो फॉर्म में। तब ही हमारा नाश्ता बहुत टेस्टी बनेगा, इसीलिए मैं ये प्रोसेस लगातार चलाते हुए कर रही हूँ। आप भी इसे लगातार चलाते हुए प्रोसेस करिएगा। जब भी खाने का मन हो ये ज़रूर नाश्ता बनाइएगा। और आप किसी चीज़ के सहायता से कढ़ाई को पकड़ ले और अच्छी तरह से चलाते हुए इसे लगातार चलाए और देखिए, ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है। और ये प्रोसेस आप लगातार करते रहिए। मैंने ये तौलिया पकड़ के इसे चला रही हूँ, उस वक्त हाथ पकड़ रही थी तो थोड़ा दिक्कत हो रही थी, इसे तौलिया सहायता से पकड़ लीजिए और आप चलाते रहिए ताकि ये अच्छी तरह से पके और हमारा बेटर अच्छी तरह से बने, तभी तो ये टेस्टी नाश्ता बनेगा। चलिए, मिलते हैं, आटे के फॉर्म में हो जाती है तभी ये हम मिलते हैं आपसे। चलिए, ये आप देख सकते हैं, ये गाढ़ा हो गया बिल्कुल आटे की तरह। अब हम इसे एक प्लेट में
अब इसे प्लेट में हम निकाल लेंगे अच्छी तरह से, और इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हमने एक बार ये बर्तन ले लिए आटे वाले जो इसमें गूंथते हैं, और ये देख सकते हैं ये अच्छी तरह से। अब इसे हम थोड़ी दबाते हुए मसल लेंगे ताकि ये हमारा आटा बिल्कुल सॉफ्ट और नॉर्मल, ये तो हुआ ही, और भी थोड़ा चिकना हो जाए। इसे अब दबाते हुए अच्छी तरह से चिकना कर लेंगे, और ये इस तरह से इसका हम मतलब आटा गूंथ लेंगे। ये देखिए चिकना हो चुका है। अब चलिए अगला प्रोसेस करते हैं। ये दाल ले जो हमने दाल पीस कर लिए थे वो देखिए हमने ले लिए हैं। अब इसमें हम मसाले कुछ ऐड करेंगे। चलिए इसमें मसाले ऐड करते हैं। इसमें हम अब इसमें बेसिक मसाले हल्दी पाउडर आधा चम्मच, आधा चम्मच रेड मरचा मिर्च पाउडर, और एक चम्मच जीरा मिर्च पाउडर रख के इसमें हम नमक स्वाद अनुसार रख कर इसे हम मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा नमक आप स्वाद अनुसार रखिएगा, जितना आप दाल रख लीजिएगा उसी अनुसार, और आपके घर में जितने अकॉर्डिंग नमक खाते हैं उसी अनुसार रखिएगा फ्रेंड। ये देखिए हमने इसे अब मिक्स कर ले रहे हैं चम्मच की सहायता से, और ये फ्रेंड देखिए मिलते हैं। तो लीजिए फ्रेंड हमने मिक्स कर लिए। अब आटे में से एक आटे की गोली के आकार का एक लोई लेंगे, और आज अभी मैं हाथ से ही बनाकर आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से चिपटा करते हुए हाथ की सहायता से इसे बना लेंगे। मैं एक हाथ की सहायता से बनाऊंगी और आगे भी तरीका बताऊंगी किस तरह से बनाए। और इस पर हम दाल के जो मिक्सचर बनाए थे उसे रख कर इसे हम फोल्ड करते हुए दबा लेंगे अच्छी तरह से, ताकि ये हमारा मुंह खुले नहीं और अच्छी तरह से ये दब जाता भी है। आप चाहे तो हाथ के सहायता से भी बना सकते हैं। मैं हाथ के सहायता से एक बनाकर आपको दिखाई हूँ इसी तरह दबाते हुए, और भी तरीके बनाऊंगी बताऊंगी। आप वीडियो में बने रहें और इधर उधर मत जाइए, और ध्यान से देखिए। ये मैंने हाथ के सहायता से तीन बनाकर तैयार किए हैं। आप एक पोलोथीन ले लीजिएगा और उस पर लोइया ले लीजिएगा, और एक और पोलोथीन लेकर इसे दबाते हुए बेलने के सहायता से अच्छी तरह से बेल लीजिएगा। ये बहुत आसानी तरह से बेल जाते हैं, और ये देखिए देख सकते हैं किस तरह से बेल चुका और आसानी से भी उधर जाते हैं। आप चाहे तो इसे कटोरे से काट कर इसका शेप दे सकते हैं। मैंने उस तरह भी बनाई है, पर इस तरह आपको बनाकर दिखा देती हूँ। ज़्यादा मैंने उस तरह भी बनाकर इसमें, और आप इसे दबाते हुए बना लीजिएगा अच्छी तरह से। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, और इसको भी दबाते हुए इसी तरह दबाते हुए बना लेंगे, और ये आसानी से चिपक जाती है। और देख सकते हैं ये किस तरह से चिपक कर बन चुकी है। और हम एक और बताते हैं आपको कि इसी तरह बनाना है। और फिर मैं इसी तरह एक बेल ली हूँ और इस कटोरे के सहायता से हम आपको काट कर दिखा रही हूँ, और ये देख सकते हैं इसका सेब आकार बहुत ही टेस्ट मतलब अमेजिंग लग, ये बिल्कुल गोले आकार में निकल कर तैयार होती है। और ये हमने थोड़ा सा बच गया था, फिर से इसे दोबारा कटिंग की हुई। ये देख सकते हैं देखिए कितना ये गोला निकल कर तैयार हो चुका है। ये इस तरह और भी बनाइएगा तो इसका लुक और भी अच्छा लग रहा है। और अब इसमें हम फिलिंग भरेंगे, और आपको दिखा रही थी ना मैं कितना ये गोला बहुत अच्छा लग रहा था इसीलिए। और ये बहुत ही अमेजिंग ये नाश्ते बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और खाने में ये तो सभी लोग बनाते हैं पर अपने अपने तरीके से बनाते हैं। मैंने इसे कच्चे चावल से बनाए हैं। जब भी अगर खाने का मन हो, चावल का आटा ना हो, तब भी आप, और मैं एक ईजी और आसान स्टेप बताऊंगी। और देखिए मैंने इसको छोटी छोटी गोली को मैंने ये जो बगचे, आप चाहे तो सादा भी बना सकते हैं, मैं एक सादा बना रही हूँ। अब देख सकते हैं इसका अगला प्रोसेस करने के लिए एक मैंने पैन ले लिया, उसमें पानी रख दिया और गर्म पानी हो चुका है। अब देखिए एक छन्नी ली हूँ और छन्नी में हमने तेल ग्रीस कर लिया, और इसमें हम सभी बनाए थे फारे उसमें इसमें रख के इसको हम भाप दे देंगे, और हम थोड़ी थोड़ी कैप करके ही रखेंगे। और देखिए जो सदे जो आटे उबर गए थे हमने कुछ सादे भी बनाए हैं,
ये भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और ये देख सकते हैं, हमने सभी को रख कर इसमें हम ढक देंगे। इस तरह से हम सभी को रख देंगे, जितना इसमें समा मतलब आ जाए उतना रखेंगे। और बाद में अगर दूसरा बैच इसको फिर से हम इसी तरह रख के इसका हम उबाल लेंगे। ये देख सकते हैं, अब इसको हम ढक देते हैं। इसमें से हमें थोड़ा दिख रहा था तो निकाल भी लेंगे। और इसको हम अच्छी तरह से थोड़ी देर पकाएंगे। इसको स्टीम हम करके देख सकते हैं। ये देखिए, ये स्टीम हो चुका है। अब इसको थोड़ा पलट लेंगे ताकि पीछे भी साइड का हो जाए, आगे भी साइड का। और ये इसका हम पहचान बताएंगे। ये पहचान होगी जब इसे हम कट करेंगे ना, तब इसकी पहचान। हमने इसे हम पलट कर हम इसे और अच्छी तरह से पका ले रही हूँ। और सभी को हम बारी बारी से पलट लेंगे और फिर से इसे हम ढक देंगे ताकि एक बार और अच्छी तरह से ये इसे ये प्रोसेस करने में 10 मिनट लग जाती है। और ये प्रोसेस करने में 10 मिनट, ये देखिए हमने फिर से ढककर, और ये देखिए फिर से दिखा रही हूँ, ये पक चुका है। और आपको हम काट कर दिखा रही हूँ कि इसका ना जो फिलिंग भरे थे वो हमारा पीला कलर का हो जाएगा जब ये पक जाएगा। आप देख सकते हैं, ये देखिए किस तरह से। और ये फिलिंग आपको अब इसी सभी को हम अब सभी को हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह ये ठंड हो जाएगी तो अच्छा से सिकुड़ जाए, अब उसी में हम फिर से रख देंगे। इसी तरह से सभी बैग को फिर से रख कर और फिर से हम ढक कर पका लेंगे ताकि इसमें जितने भी समा जाए सभी को ढक कर रख कर पका लेंगे। और ये देखिए सभी को हमने रख दिया। और ये देखिए बनकर तैयार हो चुका है। हमने गोभी के साथ, गोभी आलू के सब्जी के साथ इसे सर्व किया है। और ये देख सकते हैं आप, ये ठंड होने के बाद, ठंडा होने के बाद थोड़ा किस तरह से ये हो चुका है। अच्छा लगता है खाने में और बहुत ही टेस्टी लगती है। आप चाहे तो इस तरह से भी खा सकते हैं और चाहे तो सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।